नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपको नजर डलवाते हैं आज की खास खबर पर, जो कि ईशानगर क्षेत्र से है। यहां पर ईशानगर क्षेत्र के पास एक सिजवारा बांध से अचानक से पानी खोले जाने पर धसान नदी में अचानक से पानी आ गया और इस पानी के बहाव में एक चरवाहा बीच में फंस गया। आपको बता दें, यह चरवाहा ईशानगर क्षेत्र का है। आपको बता दें, सुजारा बांध के गेट खोले जाने से धसान नदी में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे एक चरवाहा नदी के बीच चट्टान में फंस गया। डायल 100 और पुलिस बल मौके पर पहुंची, जहां पर पानी घटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण वह कम ना हो सका, जिसके बाद एक रेस्क्यू टीम के द्वारा पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें तकरीबन 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वृद्ध को निकाला गया। जानकारी देते हुए ईशानगर थाना प्रभारी एमएस दुर्वे ने बताया कि कुर्रा के सिद्धांत घाट के पास एक गाय चराने वाला वृद्ध, जो कि 50 वर्षीय प्यारेलाल रजक नाम का बताया जा रहा है, वह धसान नदी के मझधार में फंस गया। उन्होंने बताया कि सुजारा बांध के गेट खोले जाने से नदी में पानी आ गया और बहाव दोनों तरफ से अधिक था, इसलिए उसे बाहर नहीं निकाला जा पा रहा था। इसके बाद दोपहर 2 बजे से फंसे वृद्ध को निकालने के लिए प्रयास शुरू किए गए और आखिर में 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वृद्ध को आसानी से नदी से निकाला गया। कुर्रा घाट की जो धसान नदी है, तो यहाँ का एक किसान अपनी गाय लेने उस पार गया होगा और जैसे वो आ रहा था तो एकदम से अचानक अपने धसान नदी की बाढ़ तेज हो गई, तो वो एक बीच में पत्थर जैसा एक टापू है, तो टापू पे वो खड़ा हो गया। प्यारे लाल रैकवार है रजक, उसकी वो उम्र 55-60 साल का है, बुजुर्ग है। तो फिर उसने, उसके पास फ़ोन भी है, तो उसने फ़ोन लगाया कि मैं यहाँ धसान नदी के बीचों बीच फंस गया हूँ। तो हम लोगों को कंट्रोल रूम से सूचना मिली, तो अपने पूरा तैराकी के साथ में आए दलबल के। नमस्कार दर्शकों, जनमंच के आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शुभम सोनी। बुंदेलखंड के शिक्षा के प्रमुख महाराजा कॉलेज में अब ऑडिटोरियम बनवाने की मांग प्रायिकता से उठाई जा रही है। यहाँ पर विधानसभा में संभावित प्रत्याशियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए युवा छात्राओं ने पेप्टिक टाइम के इस खास कार्यक्रम जनमंच के माध्यम से अपनी बातों को साझा किया। आइए आपको सीधा सुनाते हैं उन छात्राओं की आवाज कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं सरकार से और आने वाले जनप्रतिनिधियों से। हाँ, मैं ये तो सोचती हूँ कि एक और बड़ा स्पेस होना चाहिए, उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड होना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हम लोगों को एक और भी अच्छा ऑडिटोरियम प्रोवाइड करें, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो, टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स भी उसमें आ सके, इन्वॉल्व हो सके, एक इंट्रैक्शन बढ़ेगा। ऑडिटोरियम है तो, लेकिन उसमें व्यवस्थाएँ नहीं है, व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, कम ग्राउंड है और भी कई फैसिलिटीज़ हैं जो हम लोग को प्रोवाइड नहीं कराई गई है। आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हम लोग को व्यवस्थाएँ करवाएँ और साथ में ऑडिटोरियम का सुधार करवाएँ। प्रियंका जी, क्या मानती हैं महाराजा कॉलेज में ऑडिटोरियम की जरूरत है अभी? और नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर आ लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरानी दरवाजा की। यहां पर किशोर नाम का एक व्यक्ति, जो कि नाश्ते की दुकान लगाए हुए था, उसी के साथ आशीष कुशवाहा ने मारपीट कर दी। हालांकि बताए गए अनुसार किशोर नाश्ते की दुकान लगाए हुए था और इसके द्वारा जब नाश्ता करने के बाद आशीष से पैसे मांगे तो उसके साथ मारपीट कर दी। सिटी कोतवाली में इसके संबंध में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है, लेकिन आरोपी आज भी फरार हैं। उनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आशीष अपने परिवार वालों के साथ पुलिस अधीक्षक के पास शिकायती आवेदन देने के लिए पहुंचा। साथ में किशोर की भाभी सविता, जो कि गर्भवती थी, उसके साथ भी मारपीट की गई। आशीष कुशवाहा जब किशोर के साथ मारपीट कर रहा था, उसी दौरान किशोर की भाभी उसे बचाने के लिए पहुंची और आशीष ने उसके साथ मारपीट कर दी। हालांकि महिला गर्भवती थी, जिस वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। हमारी दुकान खुली नाश्ता समोसा की, वहाँ पर ग्राहक बैठे थे, एक आशीष कुशवाहा आया, वहाँ से क्या लोगों को भगा नहीं तो दुकान उकान बंद कर दे भी, ऐसी तैसी कर दे भी, गाली गलोच करने लगा। फिर लड़ाई लड़ाई हुआ, फिर हमारे पापा रिपोर्ट करने गए,
हम अकेले आते, हमारी भाभी पूजा बहन अकेला पाया, सो वहाँ से उनकी भाइया पूरा मोहल्ला और आसपास के लोग पूरा नत्थू लड़का मनोज, इन लोगों ने हमें भाव मारा, खसीट कर लिया गधी रोड पर। खबर दिन भर बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर आ लेते हैं आज की खास खबर पर। यह खबर है सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंग नगर की। महाराजपुर निवासी सनी चौरसिया यहां पर रह करके अपना भरण पोषण कर रहा था अपने परिवार के साथ, जिसको लेकर यह है छोटी सी दुकान लगाए हुए था। तीन लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, बताए अनुसार उस व्यक्ति का नाम अतुल बताया जा रहा है और उसके साथ अन्य दो लोग और भी थे। उनके साथ ठिलिया को पलटा दिया गया और ठिलिया को पलटाने के बाद उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट इतनी ज़्यादा की वह गंभीर रूप से घायल रहा और साथ में जिला अस्पताल में भी भर्ती रहा, लेकिन आज तक उसके जो आरोपी हैं उनको पकड़ा नहीं गया, ना उनके साथ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई की गई। इसको लेकर परिवार के लोग पुलिस अधीक्षक के पास शिकायती आवेदन देने के लिए आए हैं और गुहार लगाई है कि ऐसे आरोपियों को पकड़ के उन्हें सख्ती से सजा दी जाए। लड़ाई हो गई, किसने मारा, क्यों मारा? ऐसे आए हमारी ठिलिया को फोड़ा और तीन जने सवार थे मोटरसाइकिल में। किसने मारा नहीं जानते? जानते हैं। किसने मारा? अतुल ने। अतुल ने नाम बताएं? पंजाब होटल वाले ने मारा। अपन सरदार। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। हम आपको बता दें कि छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत ग्राम ढड़ारी के समीप एक सड़क हादसा हो गया है। हम आपको बता दें छतरपुर से मोटरसाइकिल से सवार युवक कटु अहरवान नाम का युवक, जो पपोरा निवासी है मातुआ थाना क्षेत्र का, वह अपने घर जा रहा था, जहां पर रास्ते में कोल्ड स्टोरेज जटाशंकर कोल्ड स्टोरेज है जो ढड़ारी में स्थित है, वहां पर एक बुलेरो कार ने उसको टक्कर मार दी। मौके पर ही कटु अहरवान की मौत हो गई है। मौके पर 100 डायल पहुंची थी और 108 पहुंची थी, लेकिन जब तक डॉक्टरों द्वारा उसका मौके पर 108 के डॉक्टरों ने उसको देखा, लेकिन उसकी मौके पर मौत हो गई थी। वहीं हम आपको बता दें कि पुलिस ने बुलेरो को जब्त कर लिया है और आक्रोशित लोगों ने बुलेरो में भी तोड़फोड़ कर दी। करीब आधे घंटे बाद 108 और 100 डायल पुलिस पहुंची थी, जिस दौरान आक्रोशित लोग हो गए और उन्होंने बुलेरो में तोड़फोड़ कर दी और हंगामा मचाया। मृतक की पहचान उसके जेब में डले उसके पिता के आधार कार्ड से हुई है और इस बात की जानकारी पुलिस ने उनके परिजनों को दे दी है। जिला अस्पताल में उसका पीएम कराया गया है और परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया है। ये छतरपुर साइड से बोलेरो आ रही थी और बड़ा चौकी साइड से वो बाइक वाला बोलेरो स्पीड में आई, गाड़ी में मार दी। कितनी देर पहले की घटना है ये? अब आठ पौन घंटा हो गया। क्या है? पुलिस 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 को फोन लगाया, 100 नंबर को, 108 नंबर को लगाया, अभी तक आई नहीं। कहाँ पे, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? डड़ारी कोल्ड स्टोर। क्या स्थिति है इनकी अभी? वो खत्म हो गया। मैं जब झांसी से रेफर से वापस आ रहा था उस समय मेरे पास में एक कैश आईडी आई, डड़ारी के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग सीधा चले आ रहे थे और यहाँ आके देखा तो पेशेंट को वाइटल नहीं मिल रहे हैं और उसका बहुत खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उसके सर में बहुत इंजरी है, इसकी वजह से उसके वाइटल नहीं मिल रहे हैं। अभी आपने जांच की है, क्या पाया? अभी उसके वाइटल नहीं है, डिसाइड हॉस्पिटल में ही बता सकेंगे। उसका कोई भी मतलब ना नब्ज मिल रही है, ना उसकी हार्ट बीट मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या बताया, कैसे एक्सीडेंट किया है ग्रामीणों ने? इन लोगों ने बताया कि कोई बुलेरो गाड़ी है जो इनकी टू व्हीलर को एक्सीडेंट करके मतलब स्पॉट पे ही इसका पेशेंट का बुरा हाल हुआ है। लोग गड्ढे पे बैठे हुए थे, थोड़ी देर में पता लगा कि एक एक्सीडेंट हो गया है। पेपोरा निवासी मैयदीन अहरवार, जो कटुआ अहरवार का लड़का है, और एक बोलेरो जो बताई जा रही है कि बड़ा मलेरा की है, उसने एक्सीडेंट कर दिया, ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। पेपोरा सूचना भेज दी गई है। अभी तक कोई पुलिस वाला यहाँ पे आया है? करीब एक घंटे यहाँ पे घटना को करीब एक घंटा हो गया,
कई लोगों ने डायल 100 और थाने में सूचना की, लेकिन अभी तक एक घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई। 108 एम्बुलेंस आ चुकी थी, लेकिन चूंकि बॉडी मृत हो चुका है इसलिए अभी तक उन्होंने भी नहीं। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बमीठा क्षेत्र की यह खबर है। हम आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले यहां पर जुआ लूटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद ही पुलिस हरकत में जुट गई थी और पुलिस के आला अधिकारी भी इस बात को लेकर गंभीर थे और उन्होंने इसकी जांच की। हम आपको बता दें, एडिशनल एसपी जयराज कुबेर द्वारा इस मामले की जांच की गई, उसमें स्पष्ट हुआ है कि जुआ लूटने का मामला सत्य था। साथ ही वहां से जुआ के फाड़ से एक लाइसेंसी बंदूक भी गई थी और कुछ पैसे भी लुटेरे लेकर भाग गए थे। इसके बाद ही पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। करीब 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, जिसमें महिला आरक्षक पुष्पा सिंह का बेटा भी शामिल है। हम आपको बता दें कि 13 सितंबर की यह घटना बताई जा रही है। चंदनगर चौकी अंतर्गत ग्राम भिया ताल में अर्जरिया फार्म हाउस पर जुआ खेल रहा था। करीब रात्रि 8 बजे की दरमियान की यह घटना है, जहां पर 6 नामजद लोग हैं, जिनमें सागर सिंह जो पुष्पा सिंह आरक्षक महिला आरक्षक है उनका बेटा है, रजन पटेल, सुंदरम चौरसिया, निरपत चौरसिया, बंटे खटीक, उमर सब्जी फिरोज सहित 2 अन्य लोग हैं, जो लाइसेंसी बंदूक लेकर एवं 10,000 रुपए लेकर भाग गए थे। इस मामले की प्राथमिक जांच के दौरान TI दिलीप पांडे दोषी पाए गए थे, जो बमीठा थाने में पदस्थ थे। उनकी संरक्षण में यह जुआ चल रहा था। SP विनीत खन्ना द्वारा तत्काल ही उनको लाइन अटैच कर दिया गया था और अब इन सभी आरोपियों पर फायरिंग, लूट और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। अपना बमीठा से निकले, अमापुरवा है भिया ताल के पहले घी लेने, तो वहाँ ये सब मिल गए हमें, पटेल, रजन पटेल, संटी विश्वकर्मा, खजराव के कितने लोग थे? लोग 5-6 लोग थे। उनमें से आप कितने लोगों को जानते हैं? हम 3 लोगों को, संटी विश्वकर्मा, गजन पटेल और एक पटेल राय यादव है। जी बताइए सर, कितने बजे की घटना है जी? आप जी 8 बजे की घटना है, सुबह 8 बजे की, शाम 8 को, रात को, रात के 8 बजे की घटना है। जगन्नाथ के खेत के सामने अर्जरिया महाराज के फार्म के पास, अर्जरिया फार्म के पास में। ये बताइए, जो आपकी ये गाड़ी है, ये किन लोगों ने तोड़ी है? इन्हीं लोगों ने तोड़ी, 5-6 लोगों ने, रजन पटेल और संटी विश्वकर्मा और यादव लड़का वो, और एक उदयपुर देवगांव का एक धमटुली का पटेल, नाम नहीं जानते, सकल से सबको जानते। अच्छा जी, बताइए सर, कि जैसे आप 8 बजे की घटना बता रहे हैं, पैसे ले गए हमारे 10-11 हज़ार रुपये थे, जो गार्जियन में डले हुए। अच्छा, 10,000 करीब। ये आपका मोबाइल बच गया? गया मोबाइल गाड़ी में होंदा रखा था, जो बच गया। अच्छा सर, दुश्मनी के कारण आचार संहिता गाड़ी से नहीं निकालते थे बंदी। अच्छा, तो जिन लोगों ने ये हमला किया आपके आपके ऊपर, ये विरोधी हैं अपने, दुश्मन है अपने। अच्छा, मतलब आपसे इनकी रंजिश चल रही पुरानी? हाँ, ये लोग हमसे चिढ़ते हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं। अच्छा, वो कांग्रेस का करते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराई क्या आपने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा दी थी सर, कल हमने अपना आवेदन दे दिया था श्रीमान जी को। कितने समय तक? चंदनगर में वही 10 बजे। ये थाना बमीठा क्षेत्रीय घटना है, चौकी चंदनगर के अंतर्गत दिनांक 13/9/18 को ये घटना घटित हुई थी। उसमें जुआ लूटने की घटना हुई थी, उसमें कठोर बंदोबस्त किया गया है। नामजद आ रहे हुए आरोपियों को एक बंदूक लूटने की इसमें घटना हुई थी, पता लग गया है कि बंदूक कहाँ है, उसको CGM अपने कब्जे में देखेंगे। हाँ, उस पर्सन महिला आरक्षक है, उसका पुत्र है सागर सिंह, उसकी शोहरत इस तरीके की है कि वो जुआ खिलाता है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में बड़ी खबर देखते हैं। SC ST एक्ट के संशोधित प्रारूप के खिलाफ पूरे देश में सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ रहे संत देवकी नंदन ठाकुर के साथ साथ अब एक और संत, प्रख्यात गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी भी इस लड़ाई में उतर आए हैं।
दद्दा जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस मामले में मोदी सरकार ने गलत किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने अध्यादेश के माध्यम से पलट देना उन्हें उचित नहीं लगता। उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट के जो स्वरूप है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वरूप बताया था वे उसके साथ हैं, लेकिन अध्यादेश लाकर जो स्वरूप अब पारित किया गया है सरकार के द्वारा वो उन्हें उचित नहीं लगता। हम आपको बता दें कि एससी एसटी एक्ट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बदला हुआ स्वरूप पेश किया था उसके बाद मोदी सरकार ने संसद में अध्यादेश लाकर इस स्वरूप को पूर्व की तरह कर दिया था, जिसको लेकर पूरे देश में सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में आगामी चुनाव के दौरान नोटा दबाने की बातें भी चल रही हैं। पूरा सोशल प्लेटफॉर्म इस बात से भरा पड़ा है। प्रख्यात संत देवकीनंदन ठाकुर इस मामले में सवर्णों की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे थे, अब बुंदेलखंड में एक बड़ा ओहदा रखने वाले संत दद्दा जी भी इस मामले में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है वो गलत है। वे नौगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से रूबरू होकर ये बोल रहे थे, सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी राय यह है कि वास्तव में जो ये एक्ट बना हुआ है तो एक्ट बनने के दो तरीके देश के सामने खड़े हो गए। एक हिंदुस्तान की बड़ी सबसे बड़ी शीर्ष अदालत ने अपना फैसला लिया कि एससी और एसटी जो नियम लागू किया जाए इसको एफआईआर दर्ज करना या किसी को बंद करने के पहले किसी सक्षम अधिकारी से जांच की जाए। ये जो एक्ट था ये बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसके बाद जो वर्तमान हमारी सरकार है, सरकार ने जो बिना जाँच के और अध्यादेश जारी किया, अध्यादेश जारी करना मेरे हिसाब से तो कोई महत्व नहीं रखता। महत्व इस बात का है कि देश की शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देके अपना एक अलग से अध्यादेश जारी करना, ये थोड़ा सा विषय गंभीर है। और हम एसटीएस के पक्ष में हैं, लेकिन उस एसटीएस के पक्ष में हैं जो अदालत का फैसला है, लेकिन पार्टी का या सत्ता का जो अध्यादेश जारी हुआ है हम उसके पक्ष में। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में खबरें नौगांव से, जहां पर दो घटनाक्रम एक साथ सामने आए हैं, इनको इसी बुलेटिन में देखते हैं। नौगांव में प्रख्यात संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में उनके जन्मोत्सव और शिवलिंग निर्माण के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस शुभारंभ के अवसर पर अनेक लोग नौगांव में मौजूद रहे। आपके चैनल के माध्यम से ये हम बता देना चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हर प्रकार के जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं और जितने भी विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ के स्थल हैं, सबके कहीं ना कहीं पूजा पाठ आराधना उपासना का एक तरीका होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे सरल जो आराधना उपासना का तरीका था वो पार्थिव शिवलिंग निर्माण का था, लेकिन किन्हीं कारणवश विगत 150 वर्षों से ये परंपरा थोड़ी समाप्त सी हो गई थी। परम पूज्य स्वामी कृपानंद जी महाराज ने वाराणसी में अपने प्रवचन में बताया कि आप शिष्य होने के नाते इस परंपरा को पुनः जीवित करने का प्रयास करें, गुरु आज्ञा थी। और 1980 से इस मिशन को हमने प्रारंभ किया जबलपुर मध्य प्रदेश से। इसी बुलेटिन में एक और खबर लेते हैं। नौगांव में टीआई एसपी सिंह बघेल के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे तिवारी परिवार की बेटियों की हालत खराब हो गई है, उन्हें छतरपुर रेफर किया गया है। आपको बताएं कि टीआई एसपी सिंह बघेल और एक सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह पर पिछले दिनों आरोप लगे थे कि उन्होंने नौगांव में रहने वाले एक तिवारी परिवार के घर में घुसकर महिलाओं और बेटियों से मारपीट की थी। पुलिस लूट के आरोपियों को पकड़ने के संदेह में इस घर में घुसी थी और जब वो नहीं मिले तो इनके साथ महिलाओं का विवाद हो गया, जिसके बाद ये घटना सामने आई थी। इस मामले में नौगांव के टीआई एसपी सिंह बघेल के खिलाफ अब दो तरह से मोर्चा खुला हुआ है। एक तरफ कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा उनका विरोध कर रही है। तो टीआई के द्वारा क्या किया गया था आपके परिवार के? हमारी बेटी भी देखा रहो छतरपुर। सर हम जो
हमारे साथ अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ मारपीट की गई है और हमारी बेटी हॉस्पिटल में दो दिन से भर्ती है। इसमें जो है एसपी सिंह बघेल और धर्मेंद्र सिंह को के ऊपर कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर जो है FIR दर्ज की जाए। बेटियों को अंदर मकान में घुसकर बेटियों को लाचूतों से मारा और छेड़खानी की और महिला हमारी मिसेज को जो है बहुत मारा। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। बिजावर से एक बड़ी खबर आ रही है। जिले में लूट और चोरियों की वारदात तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिजावर में रहने वाले कपड़ा व्यवसायी के घर में चोरी और चोरी के दौरान पकड़े जाने के डर से मारपीट का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक यहां के व्यापारी राम गोपाल गुप्ता के घर में बीती रात 4 अज्ञात चोर घुस गए। इसी दौरान राम गोपाल गुप्ता की आंख खुल गई। 50 वर्षीय राम गोपाल गुप्ता ने चिल्लाने की कोशिश की तो चोरों ने उनके साथ डंडे से मारपीट कर दी। इस मामले में राम गोपाल गुप्ता घायल भी हुए हैं, वहीं चोर चोरी करने में भी कामयाब हो गए। मैंने धक्का जैसे दिया और धक्का मुंह जैसे गिरा, मैंने तत्काल में रूम से बाहर निकल गया और इसके बाद मैंने मनोज के यहाँ और सबसे ऊपर 3 मंजिल छत के ऊपर जाके अपनी जान बचाई। इसके बाद मैं दादी के बगल में भी अपने को बचाता रहा और बोलो सामने से सामना मंजिल की भाग गए। उन्होंने बताया कि रात में सो रहे थे, रात में करीब 3 बजे लगभग 3-4 लोग करीब 25 के लगभग आए और चोरी करने के उद्देश्य घर के अंदर घुसे, उसको मारपीट किया तो उसको चोटे वोटे भी आए तो डॉक्टर करा दिए। वो धारा अपराध क्रमांक 102/18 धारा 458 IPC का मुकदमा कायम कर दिया है अज्ञात लोगों के खिलाफ में, विवेचना जारी है। इसी बुलेटिन में एक और खबर लेते हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने, स्वावलंबी बनने और नशे से दूर रहकर प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने का संदेश देते हुए छतरपुर से राष्ट्रीय चेतना मंच के नेतृत्व में एक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य है लगभग 50 गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करना। किसान जागरूकता यात्रा के नाम से इस यात्रा को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चेतना मंच के द्वारा निकाला जाता है। इसके संयोजक डॉक्टर दिनेश मिश्रा हैं। भारत गांव का देश है और बहुत लंबे समय से देख रहे हैं गांव और किसान बर्बाद हो रहे हैं। आर्थिक नीतियां इस प्रकार की बनाई जा रही हैं जिससे कि गांव बराबर बर्बाद हो जा रहे, किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है, खाद बीजल डीजल ये सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और उस हिसाब से उनके गेहूँ हैं चना है और जो भी जींस हैं वो सब उनके मूल्य उनको नहीं मिल रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर के किसान जागरण पद यात्रा 17 दिन की निकाली जा रही है जो 7 तारीख को महोबा जिले के नलौरा में समाप्त होगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 2 दिन बाद होने वाले गणेश विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं। इसके लिए कलेक्टर रमेश भंडारी ने बूढ़ा बांध का निरीक्षण किया और जानकारी दी कि यहां पर पूजन सामग्री और मूर्ति विसर्जन के लिए 2 अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं जिससे कि बूढ़ा बांध का जल प्रदूषित ना हो। गौरतलब है कि छतरपुर शहर में पीने के पानी का इंतजाम इसी बांध के जल से होता है और मूर्तियों में उपयोग किए गए रासायनिक पदार्थ और कलर से पानी खराब ना हो इसके लिए विसर्जन के लिए 2 अलग अलग स्थान वहीं पर बनाए गए हैं। होमगार्ड की टीमें भी तैयार हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए गोताखोर और मोटरबोट की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। सभी से शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक गणेश विसर्जन की अपील भी प्रशासन द्वारा की गई है। गणेश विसर्जन आज से शुरू हो गया है और संडे तक चालू होगा। यहाँ पर मैक्सिमम लोग बूढ़ा तालाब पर आते हैं। यहाँ पर हमने सुरक्षा की व्यवस्थाएँ की है, गोताखोर लगाए हैं, एक मोटरबोट भी तैनात की है। साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि छतरपुर शहर को बूढ़ा तालाब से पीने का पानी सप्लाई होता है। हमने पूजन सामग्री विसर्जन के लिए अलग से स्थान निर्धारित किया है
एवं मूर्तियों को विसर्जन के लिए भी हमने अलग से पानी की व्यवस्था की है। मैं शहरवासियों से अपील करता हूं कि पानी को शुद्ध रखने के लिए वो अपने साथ ले गए पूजन सामग्री या मूर्तियों को निर्धारित स्थल पर ही विसर्जित करें। वाहनों के आने जाने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है, पार्किंग का स्थान पहले से है, साफ सफाई की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 3 गड्ढे खोदे जा रहे हैं, व्यवस्था लगी हुई है, नाव भी है और तैराक दल भी है। हमारे प्रशासनिक अमले पूरे इस जगह का विजिट कर गए हैं और यहाँ पे होमगार्ड का पूरा बल तैनात रहेगा, साथ में यहाँ पे पंडाल की व्यवस्था रहेगी, अनाउंसमेंट होंगे, जितने भी मूर्ति आएंगी उनके विसर्जित करने के लिए 2 अलग अलग गड्ढे रहेंगे, जिसमें एक पूजन सामग्री रहेगी और एक में जिसमें मूर्ति विसर्जन किया जाएगा, जो कि जैसा कि NGO का वैसे भी पहले से ही निर्देश है कि इस पर गंदगी ना हो। बूढ़ा बांध में हमारी 2 टीमें तैयार की गई हैं, जिनके पास मोटर बोट और सभी प्रकार की बाढ़ बचाव सामग्री है उनके साथ में, जो लगातार विसर्जन तक ड्यूटी करती रहेंगे। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 10 दिन तक चलने वाले गणेश पर्व में जगह जगह पांडालों में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महाराजपुर में जहां महाआरती का आयोजन किया गया, तो वहीं बस स्टैंड पर भजन संध्या का आयोजन गणेश पांडाल में किया गया। इसके अलावा सागर रोड पर संगम सेवालय द्वारा कन्या भोज का आयोजन भी गणेश पांडाल पर किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सभी जगह उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रसाद ग्रहण किया। हमारे यहाँ गणेश का प्रोग्राम मनाया गया था, भगवान ने गणेश जी बिठाए और ये गणेश जी का प्रोग्राम हम लोग 3 साल से कर रहे हैं लगातार। गणेश जी विघ्न हरता है, तो इनकी हम उपासना और पूजा करते हैं, जिससे हमारे सबके विघ्न दूर हों और हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य में आने वाले विघ्न दूर हों। हमारी जो संस्थाएँ चलती हैं बच्चों के ऊपर हैं, जिससे उन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हम गणेश जी की स्थापना अपने विद्यालय में करते हैं। और आज हमारे गणेश जी का जो भंडारा चल रहा है, जिसमें कन्या भोज का आयोजन किया है हमने, तो कन्याओं का भोज चल रहा है और ये हम हर साल करते हैं और भंडारा भी होता है जिसमें सब लोगों का भोजन यहाँ कराया जाता है। आज यहाँ आने का अपने गांव में वापस आए तो देखा कि बहुत ही अच्छा आयोजन चल रहा है, मुझे बुलाया गया, प्रसाद बनाया गया। महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से मनाया जाता है जी, तो आपने यहाँ क्या खास किया? यहाँ पर मैंने सर्वप्रथम देवा श्री गणेशा का कांदेचा प्रसाद भेटला, इकड़ून बहुत स्वादिष्ट प्रसादी लगी, भजिया, पाव भाजी, ब्रेड पकौड़ा वगैरह, मुरजन, खुरचन, ये सब यहाँ पर बनाए गए, बहुत ही प्यारे मोदक, किलियंचा मोदक लड्डू, बहुत ही स्वादिष्ट वाला, जो भगवान श्री गणेश को बहुत ही। और क्या खास बातें हैं कार्यक्रम की, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? मैंने यहाँ देखा कि जिस प्रकार भगवान श्री गणेश का यहाँ पर आयोजन किया गया, उससे बढ़कर जो बच्चों ने बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति दी, श्री गणेश और राधा कृष्ण की रासलीला का जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्याख्यान हुआ, वो प्रशंसनीय था। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे जिले भर की खबरें। हर घंटे जिले भर की खबरों से अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए अपडेट टाइम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।